बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं और मेन हो चाहे विमेन हो ऑफिस गोअर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके की घर में एक छोटा सा होम ऑफिस होता है और वो वहीं पर अपनी डेस्क पर काम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ऑफिस डेस्क को या अपने घर में होम ऑफिस के डेस्क को वास्तु के अनुसार कैसे रखें, जिससे कि वो आपके लिए मनी और फेम लेकर आए। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर वैशाली गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर के होम ऑफिस के ऑफिस डेस्क को रखें या फिर अपने ऑफिस के डेस्क को वास्तु के अनुसार कैसे रखें। अगर हम अपने घर में काम कर रहे हो, चाहे हम ऑफिस में अपने डेस्क पे काम कर रहे हो, हमारी फेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वास्तुशास्त्र में योर फेसिंग और द ओरिएंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वास्तु के अनुसार अगर काम करते समय आपकी फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट की होती है तो उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। ईस्ट की फेसिंग में ऐसा कहा जाता है कि हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो जाता है और हम अपने फुल पोटेंशियल पे काम करते हैं। तो आपका जो ऑफिस का डेस्क हो वो जैसा भी हो, आपके घर में आप जहां भी होम ऑफिस बनाए, इस बात का ध्यान रखें कि अपनी फेसिंग को नॉर्थ या ईस्ट रखें, जिससे कि आपके पास मनी और फेम आए। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वर्किंग डेस्क है, ऑफिस डेस्क है, वो होना किस मटेरियल का चाहिए। कई बार हमने देखा है कि ग्लास का भी होता है, मेटल का भी होता है, लेकिन अगर आप वास्तु की माने तो जो वुडन डेस्क होता है वो सबसे बढ़िया होता है। वुड एक नेचुरल मटेरियल होता है और आपकी एनर्जी इसको कॉम्प्लीमेंट करता है एंड हैविंग अ वुडन डेस्क इज द बेस्ट थिंग, द बेस्ट काइंड ऑफ डेस्क दैट यू कैन हैव अकॉर्डिंग टू वास्तु। ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग अपने वुडन डेस्क के ऊपर शीशे का एक बेस रख देते हैं, लेकिन शीशे के बेस के नीचे आप देखेंगे कि वो कई तरह के विजिटिंग कार्ड्स डाल देते हैं, कई एक तरह के पेपर्स जो हैं उनको वो ग्लास के नीचे इंसर्ट कर देते हैं। जब वो डेस्क पे काम कर रहे होते हैं तो ग्लास के नीचे वो सब चीजें दिखाई देती हैं और आपका डेस्क बहुत ही क्लटर्ड लगता है। अगर आपका डेस्क क्लटर्ड है तो ये आपके ऑफिस के और आपके स्पेस एलिमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है और आपकी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग कम्प्लीटली जा सकती है, आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं। तो अगर आपने अपने डेस्क के ऊपर शीशे का एक और बेस रखा है तो उसके नीचे कुछ भी ना रखें, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह को अलग से एक होल्डर में रखें। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके डेस्क की अलग अलग डायरेक्शंस में आपको वास्तु के अनुसार क्या रखना चाहिए। अपने डेस्क के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप एक लैंप रख सकते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि आपका फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, इन सब को आप अपने डेस्क के साउथ ईस्ट साइड में रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो वास्तुशास्त्र में अग्नि के अंडर आते हैं और जब इन आर्टिकल्स को आप साउथ ईस्ट में रखते हैं तो आपका साउथ ईस्ट जोन वेल बैलेंस्ड होता है और आपकी एनर्जी और आपकी वाइटैलिटी बनी रहती है। साथ ही साथ अपने डेस्क की नॉर्थ साइड पर आप एक क्रिस्टल का पिरामिड रखें। ऐसा रखने से आपका नॉर्थ जोन एक्टिवेट होता है और आपका मनी का इनफ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई पानी की बॉटल कैरी करते हैं, फ्लास्क कैरी करते हैं या फिर ग्लास में भी पानी रखते हैं तो कोशिश करें कि उसको आप अपने डेस्क के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड पे रखें। ऐसा करने से आपके डेस्क का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जोन एक्टिवेट होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी आपकी फाइल्स क्लियरेंस में लगी हैं, जो फाइल्स आती हैं और आप पास करके उनको आगे भेजते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मूवमेंट में रहते हैं उनको आप अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट जोन में रखें। नॉर्थ वेस्ट जोन आपका चलायमान और मूवमेंट का जोन होता है और कोई भी फाइल्स या कोई भी पेपर्स जो है वो स्टैग्नेंट या स्टैटिक नहीं होते अगर आप उनको नॉर्थ वेस्ट जोन में रखते हैं और क्विक उनकी सर्कुलेशन चलती रहती है। अपने ऑफिस के डेस्क को तो मैंने आपको बताया कैसे रखें, उसको वुडन रखें और उसे क्लीन रखें और किस जोन में उसके क्या रखें। आपके ऑफिस की चेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑफिस की जो चेयर है वो स्टर्डी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए और इतनी कोशिश करें कि उसका जो बैक है चेयर का वो आपके कंधे या आपके सर से ऊपर हो। ऐसा करने से आप एक ओवरऑल स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी रहे और किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स आपको परेशान नहीं करे तो इस बात का ध्यान दें कि आपके चेयर के पीछे एक सॉलिड वॉल होनी चाहिए। अगर आपके चेयर के पीछे सॉलिड वॉल नहीं होती तो आपके पीछे की एनर्जी हेलिक्स डिस्टर्ब हो जाती है और आपको पॉलिटिक्स का जो है वो शिकार होना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप स्टेबिलिटी की कमी भी महसूस कर सकते हैं।
अगर आपके ऑफिस के पीछे सॉलिड वॉल है तो उस वॉल के ऊपर आप एक हैवी माउंटेन की पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि हैवी माउंटेन की जो पिक्चर होती है वो हमारे साउथवेस्ट जोन को बैलेंस करती है और हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल कंट्रोल लेके आती है। तो अपने पीछे की वॉल पर एक हैवी माउंटेन पिक्चर जरूर दें। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं या किसी ऐसे ऑफिस के लिए काम करते हैं या आपका जो होम ऑफिस वर्क है ऐसा है जो कि ओवरसीज से रिलेटेड है या फिर आप एक्सपोर्ट वगैरह के काम में और आप चाहते हैं कि आपका ओवरसीज बिजनेस एक्सपैंड हो तो अपने डेस्क के ईस्ट साइड में छोटा सा ग्लोब जरूर रखें। अगर हम ग्लोब रखते हैं, वर्ल्ड का जो है वो ग्लोब रखते हैं, तो वो हमारे ईस्ट जोन को प्रोग्राम करता है और ऑटोमेटिकली हमारी नेटवर्किंग जो है वो ग्लोबली होने लगती है और हमारा नेम, फेम, रेपुटेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड फैलने लगता है। तो अपने टेबल के ईस्ट जोन पर एक ग्लोब जरूर रखें। अच्छा, हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऑफिस में अपने सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, अपने अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स और तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स लगाते हैं। तो सर्टिफिकेट्स को लगाने का बेस्ट जो एरिया है वो है आपका साउथ वेस्ट जोन। तो अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट वॉल पर आप सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। इससे आपके काम में स्टेबिलिटी आती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई अचीवमेंट के फोटोग्राफ्स हैं, अगर आपके कंपनी अचीवमेंट के या कोई अवार्ड्स लेते हुए आपके फोटोग्राफ हैं, तो उसको अपने ऑफिस के नॉर्थ या ईस्ट वॉल पर लगाएं। तो अगर इन छोटे छोटे टिप्स को आप अपने ऑफिस में फॉलो करते हैं, अपने डेस्क के लिए इन रूल्स को फॉलो करते हैं, मटेरियल राइट चूज करते हैं, फेसिंग राइट रखते हैं, तो आपको वास्तु में जो रिजल्ट्स है उसका परसेंटेज बहुत ही हाई जा सकता है। अपने सारे वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सिंपल और इफेक्टिव टिप्स दूं जिसको कि आप घर में बैठे बैठे फॉलो कर सके और वास्तु के अनुसार रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे आए। तो आज मैंने आपको बताया कि अपने ऑफिस डेस्क को या अपने होम ऑफिस के डेस्क को वास्तु के अनुसार आप कैसे बैलेंस रख सकते हैं और कैसे वास्तुलॉजिकली बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप आगे और क्या जानना चाहेंगे या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।